मुझे प्रदेश किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद और पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिम्मेदारी मुझे ये दायित्व मिला है। किस तरीके से अपनी जो कार्यकारिणी सदस्य मिले पद का किस तरीके से निर्वहन करेंगे और जो ये जो शुगर मिल है गन्ना मिल है भुगतान में दिलाने में किस तरीके से भूमिका भाई किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों की जो समस्याएं हैं पार्टी के सम्मुख उनको उठाया जाएगा, सरकार के सम्मुख उनको उठाया जाएगा। किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। लगातार देखने में आता है कि सरकार 5-10 रुपये बढ़ा पाती है, इससे ज़्यादा ना बढ़ाने का कारण क्या है और इसको बढ़ाने में किस तरीके से भूमिका? नहीं, इस बार जो है यूपी से ज़्यादा ही रहेगा। यूपी में 25 रुपये बढ़े हैं, उम्मीद है यूपी से ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा ही बढ़ेंगे। 30 रुपये ही करोगे या इससे ज़्यादा? नहीं, ये तो सरकार का काम है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जो बॉर्डर पर बैठे किसान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि भाई किसान नहीं है, तो आप तो किसान मानते हैं उनको? नहीं, किसान है ये किसने कहा कि किसान नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा किसान है, लेकिन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है ये कहा है। नहीं नहीं, किसान है, किसान ओडी में भी घूम सकता है, ट्रैक्टर भी किसान का मैन हथियार है, किसान है, लेकिन किसान का मतलब किसानों को भ्रमित किया गया है। जो 3 कृषि काले कानून हैं उसके फायदे या नुकसान अभी तक जो है किसान यूनियन के नेता नहीं बता पाए हैं। तो क्या वो इस कानून से अनजान है? नहीं, मुझे नहीं पता, जिसने बोला है मैंने बयान सुना नहीं है और मुझे उसकी जानकारी है। आप मानते हैं वो किसान है जो कि बॉर्डर पे बैठे? मैं तो शुरू से ही मानता हूँ किसान है। नहीं, क्या वो किसान अनजान है कानून से? नहीं, किसान जो है बहुत भोला होता है और भोले मैं उसके जो कुछ स्वयंभू नेता जो हैं जिनकी कलाई समय समय पर खुलती रही है वो उन्हें बहकाते रहते हैं और वो जब तक उनको बेचारों को समझ आता है कि वास्तविकता क्या है तब तक काफ़ी नुकसान मेरे विचार से हो चुका होता है।